देखिए, इस्लामाबाद की सदारती दहशतगर्दी अदालत में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो इमरान खान की पेशी के दौरान तोड़फोड़ हुई थी उसका मुकदमा दर्ज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, जिसके खिलाफ आज अभी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं। जो रहनुमा पहुंचे हैं उनमें असद उमर, जुल्फी बुखारी, वसीम शहजाद, मुराद सईद, आमिर कियानी, राजा खुर्रम नवाज और दीगर इस वक्त जो है वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच चुके हैं और पीटीआई की जो लीगल टीम है वो भी अबूरी जमानत दायर करने के लिए इस वक्त जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। डॉक्टर बाबा रवान और अली बुखारी जो है वो लीगल टीम का में शामिल है और तमाम लोगों की दरख्वास्त जमानत दायर की जाएगी, बुरी जमानत, जिसका मकसद ये है कि इनको गिरफ्तारी से रोका जाए। गुज़श्ता रात भी तमाम रहनुमाओं के घर पे पुलिस इस्लामाबाद पुलिस ने छापे मारे थे, जिसके बाद आज सुबह ही तमाम रहनुमा जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गए और अब से कुछ ही देर ठीक है पीटीआई की लीगल टीम बुरी जमानत के लिए अदालत पहुंच गई। हमें अपडेट कर रहे थे आसिफ नवीद, बहुत शुक्रिया आपका।